हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे सेसी व्लॉग्स। गाइस, आज का वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाला है, बिकॉज मेरे को बहुत टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि दी आपके स्किन पे इतनी सारी पिगमेंटेशन थी, इतने सारे स्कार्स थे, वो कैसे हट गए। अभी आपका फेस बहुत ज्यादा हेल्दी लग रहा है, बहुत ज्यादा आपकी स्किन ग्लो कर रही है, प्लीज शेयर कीजिए। और मैंने आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पिगमेंटेशन के लिए या फिर हाइपर पिगमेंटेशन के लिए बेस्ट प्रोडक्ट एंड प्लस रिव्यू भी शेयर करूंगी प्रोडक्ट्स का। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है ये जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्लिनिकली प्रूव्ड है और इनफैक्ट डर्मेटोलॉजिस्ट ने ही इनको बनाया है। जेंटल है और ऑल स्किन टाइप से मैं प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ वन बाय वन शेयर करूंगी एंड समझाऊंगी कि कैसे कैसे आपने इसको कब कब यूज करना है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डर्मा टच की बाय बाय पिगमेंटेशन रेंज। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं पिगमेंटेशन होने के रीजन। हमारी स्किन में जो मेलेनिन होता है ना, जो कलर देने वाला सब्सटेंस होता है, उसकी वजह से हमारी स्किन में कलर आता है। सो गाइस, वो जिस जगह पर बढ़ जाता है उस जगह पर हमें पिगमेंटेशन हो जाती है। काफी लोग उसे हाइपर पिगमेंटेशन भी कहते हैं। अब जान लेते हैं इससे बचा कैसे जाए, डेफिनेटली एक हेल्दी डाइट और कुछ स्किन केयर से। और हम बाहर धूप में बिना सनस्क्रीन के चले जाते हैं, उससे भी हमें हाइपर पिगमेंटेशन और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। हमें अपने डेली रूटीन में सनस्क्रीन को जरूर फॉलो करना चाहिए। गाइज, मैं हमेशा हर वीडियो में आपको सनस्क्रीन हाईली रिकमेंड करती हूँ। हर एज ग्रुप को, मेल फीमेल, सनस्क्रीन हमारी स्किन को इतना ज्यादा सन डैमेज से प्रोटेक्ट करती है ना, आप सोच भी नहीं सकते। अगर तो आप सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं ना तो आज ही से स्टार्ट कर दीजिए। आपके रिंकल्स की प्रॉब्लम, आपके पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को काफी हद तक, और भी हमारी स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको काफी ज्यादा हील करेगी, आपकी स्किन को सेफ एक जोन में रखेगी वो। तो सनस्क्रीन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कोई सी भी यूज कीजिए। गाइस, और एक चीज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है पिगमेंटेशन में, वो है हार्मोनल चेंजेस। जब हम यंग होते हैं तब हमारे हार्मोनल चेंज होते हैं, तब हमें हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। और जब हम 40s में आते हैं तब भी हमारे हार्मोनल एकदम से चेंज होते हैं, तब भी हमें काफी बार पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बाकी जो सबसे मेन एक प्रॉपर तरीका है वो है स्किन केयर रूटीन, हेल्दी डाइट तो हमें फॉलो करनी ही पड़ेगी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम से बचने के लिए। स्किन केयर का सबसे पहला स्टेप जो है गाइज, वो ये है कि हमें दिन में कम से कम दो बार किसी भी माइल्ड फेस वॉश से अपना फेस वॉश करना चाहिए। फेस वॉश करने के बाद जो सबसे पहला स्टेप है वो है टोनर, जो हम हमेशा स्किप कर देते हैं। हम सोचते हैं कि टोनर क्यों लगाना है, टोनर से कुछ होता तो है नहीं, बट ऐसा नहीं है। टोनर काफी लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी स्किन के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं टोनर के जो मैं आज आपको बताऊंगी। सो मैं यहाँ यूज कर रही हूँ डर्मा टच का पोर टाइटनिंग टोनर, जो कि बिल्कुल अल्कोहल फ्री है। ये टोनर सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, ड्राई है या फिर ऑयली है, कॉम्बिनेशन भी है, तब भी आप इस टोनर को यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं इसको लगाना कैसे है। तो आपने कॉटन पैड पर इस तरह से कुछ ड्रॉप्स लेनी है टोनर की और अपने फेस को वाइप कर दीजिए। ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं ग्लाइकोलिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड। गाइज, ये हेल्प करता है पोर्स को टाइट करने में, साथ ही साथ हमारे ओपन लार्ज पोर्स को क्लॉग्ड करने में हेल्प करता है। पोर्स में जो भी एक्सेस ऑयल इकट्ठा हो जाता है उसे रिमूव करता है, स्किन को क्लीन करने में हेल्प करता है, डेड सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है ताकि हमें इवन टोन स्किन मिल सके। एक्सफोलिएट करता है ताकि हमारी स्किन के जो यंगर सेल्स हैं वो नजर आए। और सबसे अच्छी बात गाइज, इसको मेल फीमेल, बॉयज गर्ल्स दोनों यूज कर सकते हैं। वैसे तो सीरम्स एंड क्रीम आपको पर्टिकुलर टाइम में लगानी चाहिए, यानी कि सुबह और शाम दोनों टाइम। मान लीजिए आपने अपने फेस को वॉश कर लिया, टोनर से क्लीन कर लिया, उसके बाद जब आप सुबह में सीरम या क्रीम कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं अपने फेस पे, उसके बाद आपका जो फर्स्ट मेन स्टेप है, जैसे कि मैं बता रही हूँ बार बार, सनस्क्रीन आपने सुबह में जरूर अप्लाई करनी है, चाहे आप बाहर जाएं या ना जाएं, चाहे धूप हो या ना हो, सनस्क्रीन आपने सुबह में डे टाइम में जरूर यूज करनी है, उसे बिल्कुल स्किप नहीं करना है, जिसकी बता रही हूँ पिगमेंटेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सनस्क्रीन। नाइट टाइम में भी आपने सेम प्रोसेस करना है, फेस वॉश करना है, टोनर करना है एंड उसके बाद सीरम या क्रीम अप्लाई करनी है, बस आप सनस्क्रीन को नाइट टाइम में स्किप कर सकते हैं। तो ये है गाइज डर्मा टच की बाय बाय पिगमेंटेशन क्रीम, और इसके साथ साथ ये एक सीरम का भी काम करती है। जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, आपको समझ आ ही गया होगा कि किस चीज में हेल्प करेगी।
आपकी पिगमेंटेशन को ट्रीट करेगी, साथ ही साथ पैची स्किन, ब्लॉचीनेस है उसको भी रिड्यूस करेगी और हमारी स्किन को सन डैमेज से प्रोटेक्ट करेगी। इसके के इंग्रेडिएंट्स हैं लाइम पर्ल एंड नाइसिनमाइड। ये क्रीम हमारे एज स्पॉट को भी रिड्यूस करने में हेल्प करती है, हमारी स्किन को ब्राइट तो करती है साथ ही साथ स्मूथ क्लियर करती है, हेल्दी करती है, फॉर्म करती है, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है। ये क्रीम गाइस सच में आपकी स्किन पे एकदम कमाल करती है, जादू की तरह। तो आपको इसको अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है और अपने इफेक्टेड एरिया पर, यानी कि जहां पर आपको पिगमेंटेशन और स्पॉट्स हो रहे हैं फेस के साथ साथ, वहां पर भी आप इसको अप्लाई करके मसाज कर लीजिए। गाइज नेक्स्ट है ये डर्मा टच का मॉइस्चराइजर, इसमें है हाइड्रोसेला 1% विटामिन ई। तो चलिए जान लेते हैं कि ये हमारे फेस के लिए क्या करता है। एक बात और गाइज, अगर आपने बाय बाय पिगमेंटेशन क्रीम मंगाई है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ये मॉइस्चराइजर लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि दोनों ही प्रोडक्ट अपनी अपनी जगह इक्वली गुड हैं। जैसे मैं भी आप लोगों के साथ अलग अलग प्रोडक्ट की रिव्यू शेयर करती हूँ, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन से प्रोडक्ट चूज करने हैं अपनी स्किन के लिए। हम सब जानते हैं विटामिन ई डीप मॉइस्चराइजर देती है, उसके साथ साथ हमारी स्किन की जो हाइड्रेशन होती है ना उसे मेंटेन रखती है। और अगर हमारी स्किन में हाइड्रेशन अच्छी होगी तो हमारी स्किन काफी ज्यादा हेल्दी होगी, दिखेगी। ऑक्सीडेंट इफेक्ट है इन प्रोडक्ट्स के और हमारे स्किन सेल्स को डैमेज से बचाते हैं, स्किन को स्मूथ एंड सपल कर देते हैं, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है। गाइज अब है ये नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है और उसे ट्रीट करता है। वो लास्ट प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी गाइज, अगर आप अपनी स्किन को बचाए रखना चाहते हैं पिगमेंटेशन, रिंकल्स, पैचीनेस और ब्लॉचीनेस से, बाकी और तरह के स्किन इश्यूज से, तो सनस्क्रीन एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। गाइज मैं सनस्क्रीन बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी भी आप जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे 80% लोग ऐसे होंगे जो सनस्क्रीन को डेली अपने डेली रूटीन में नहीं करते होंगे अप्लाई। तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अगर आपकी स्किन में, मैं तो ये कह रही हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है ना, आपकी स्किन में कोई रिंकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई एक्ने नहीं है, तब भी आप सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए, कोई सी भी कीजिए, 30 SPF कीजिए, 50 SPF कीजिए, बट कीजिए, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में ये सारी प्रॉब्लम होनी होगी ना, तो उससे भी सनस्क्रीन आपको प्रोटेक्ट करेगी। ये है लास्ट प्रोडक्ट डर्मा टच का बाय बाय पिगमेंटेशन जेंटल एक्सफोलिएटिंग फेस स्क्रब, और इसके के इंग्रेडिएंट्स हैं कैफीन, पर्ल एंड शिया बटर। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, देख लीजिए, जब आप स्क्रब अप्लाई करें तो आपका फेस थोड़ा थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल ड्राई मत करना, थोड़ा थोड़ा सा उसमें पानी लगा होना चाहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा सा गीला होना चाहिए आपका फेस, एंड इस तरह से आपने थोड़ा सा अपने हाथ पर स्क्रब लेना है एंड जेंटली अपने फेस पर मसाज करनी है। गाइज याद रखिएगा, जब भी आप स्क्रब यूज करें ना, आपने बिल्कुल भी प्रेशर से नहीं करनी है मसाज, बहुत जेंटली करनी है। अब काफी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि स्क्रब वीक में कितने दिन में करना चाहिए, मतलब कितनी बार करना चाहिए। तो नॉर्मली तो आपने एक से दो बार करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए, बट ये वाला जो स्क्रब है ना, ये जेंटल एक्सफोलिएटिंग स्क्रब है, तो इसको आप आराम से वीक में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं, लेकिन जेंटली, ठीक है। तो ये आपके पिगमेंटेशन को रिमूव करता है, साथ ही साथ डेड स्किन को रिमूव करता है, एक्सफोलिएट करके टैन रिमूव करता है, स्किन को हमारी इवन टोन देता है, नरिश रखता है। ये स्क्रब हमारी स्किन को डीपली हाइड्रेट रखता है। जो बाकी स्क्रब है ना, आप कभी देखते होंगे स्क्रब यूज करने के बाद ना, आपकी स्किन ना ऐसे खिंची खिंची, स्ट्रेची स्ट्रेची लगती होगी, ऐसा लगता होगा कि खिंच रही है, बट ये स्क्रब का कमाल इतना अच्छा है कि ऐसा लगता है आपने कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई करा है इस स्क्रब को करने के बाद। मीन ये स्क्रब हमारी स्किन को डीपली हाइड्रेट भी करता है। दिस इज वेरी गुड फॉर सन टैन पिगमेंटेशन। नाउ माय स्किन टोटली डिटॉक्सिफाइड। और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक्सेप्ट द वे यू आर, जस्ट लव योर सेल्फ द वे यू आर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और गाइज इन सब प्रोडक्ट्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, साथ ही साथ डर्मा टच की वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो जरूर शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट एंड अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।